हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है इंद्रजीत सोहल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे कि आपने कल की वीडियो में देखा होगा कि हम टाडोबा रिसोर्ट में जा रहे हैं। तो टाडोबा में हमने जो रिसोर्ट बुक किया है उसका नाम है टाडोबा वन्या विलास रिसोर्ट एंड स्पा, और ये वेलकम हेरिटेज नेचर रिसोर्ट है। और पीछे ये मेन गेट है इसका, तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स का कैबिन बना हुआ है। एंड यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने ना डायरेक्शंस दिए हुए कि रिसेप्शन एरिया कहाँ है, कॉन्फ्रेंस हॉल कहाँ है, पार्किंग। एंड जस्ट जैसे ही एंटर करते हैं तो ये सामने रिसेप्शन एरिया है। तो अभी हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो यहाँ से हम जैसे ही एंटर करते हैं तो ये है यहाँ पे रिसेप्शन में सीटिंग एरिया है। आपका क्या नाम है? सदाशिव। ये टी शर्ट सेल करने के लिए है क्या? यस सर, ये सब जो है सेल करने। क्या कॉस्ट है? सर कॉस्ट है सर एक्चुअली 800 प्लस टैक्स है। अच्छा, कलर तो लगभग 900 के करीब अराउंड मिल जाएगा। ओके, बट ये दो पैटर्न है ना अलग अलग, एक राउंड नेक है और एक कॉलर है, तो दोनों का अलग अलग रेट होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि पार्किंग कहाँ पे है। तो पहले हम पार्किंग देख लेते हैं। तो पार्किंग के लिए अगर आप देखेंगे तो देखिए सामने ही है, यहाँ पे सब गाड़ियों की पार्किंग लगी हुई है। तो अच्छा स्पेस है, बहुत स्पेस है इनके पास। तो ये जो है ये वे, ये आपको रेस्टोरेंट और गेम एरिया के पास ले जाएगा। तो इनका जो टाइमिंग है ब्रेकफास्ट का वो 8 to 10 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइनिंग एरिया है, बहुत सारे टेबल्स देखने को मिलेंगे। एक नज़र मार लेते हैं कि अभी आज ब्रेकफास्ट में क्या मिलने वाला है हमें। अभी बाकी का प्रिपरेशन रेडी नहीं हुआ है। जो ये डिज़ाइन बनाया है ऊपर पूरे एनिमल्स का, पूरा थीम है एक्चुअल में। टाडो बाप आते हैं तो इसी के लिए आते हो ना। हल्की हल्की बारिश आ रही है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कॉन्फ्रेंस हॉल कहाँ है, कॉन्फ्रेंस स्टोर, गेम्स एरिया, रेस्टोरेंट, ग्रिल रेस्टोरेंट, बार एरिया एंड स्विमिंग पूल। और ये है गेम एरिया, ये बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया गया है। और वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है। तो यहाँ पे है एक कैरम, एंड देन मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है सेकंड कैरम, टेबल टेनिस, पूल टेबल, एंड देन वो वहाँ हम देख सकते हैं एक और गेम। और यहाँ पे छोटे किड्स अगर लाते हैं आप बेबीज़, तो उनके लिए ट्रॉलीज भी रखी है। यहाँ पे हमने बहुत टाइम स्पेंड किया कल। ओहो क्या मस्त ये फोटो है टाइगर की। बाहर निकलते हैं यहाँ से। एंड जो हाई टी होता है वो हाई टी हमें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है इस एरिया में। जस्ट मेरे राइट में आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल। वो आप देख रहे हैं वो स्पा है। ये यहाँ पे छोटा सा बार है जस्ट पूल के साथ। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं लोग,
साउथ इंडियन मिल जाएगा, नॉर्थ इंडियन मिल जाएगा, जूस मिल जाएगा, टी कॉफ़ी है, यहाँ पे तवी पोहा भी मिल गया मुझे, ऑमलेट, और अगर से ब्रेड चाहिए तो वो सैंडविच बना के भी देते हैं। सो गाइस, अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। अभी नेक्स्ट प्लान ये है कि हम स्विमिंग पूल में फिर से उतरने वाले हैं और मज़ा करेंगे, और उसके बाद में 2 बजे सफारी है, सफारी के लिए निकलेंगे। तो अभी बहुत वक्त है हमारे पास, आज एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो चलिए गाइस, मैं तो रेडी हो गया हूँ, मेरे पूरे गैजेट्स मैंने रख लिए, कैमरा, लेंस, जो जो मुझे रखना था सब रख लिया है। मैं वेट कर रहा हूँ बाकी लोगों का, जैसे ही वो रेडी होते हैं तो हम लोग निकलते हैं। थोड़ी सी बारिश हुई है तो टाइगर के चांसेस कम लग रहे हैं, बट चलो देखते हैं। तो हमारी तैयारी हो चुकी है और अभी हम सफारी के लिए निकलने वाले हैं। जहाँ तक जीप नहीं आ पाएगी तो हमको गेट पे ही जाना पड़ेगा, वहाँ से हम अपनी जीप लेंगे, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगे वहाँ पे गाइड्स का कैसे देना है उनको, वो सब वहाँ जाके पूरा करते हैं। जो भी मिलते हैं आगे के वीडियो में। सो गाइस, ये हमारी जो सामने आप जीप देख रहे हैं, हमारी जीप 1 है, एंड यहाँ पे हम लोग जीप 2 में हैं बाकी के लोग, और अभी कुछ ही देर में हम लोग सफारी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हमने एंटर कर लिया है, हमारे साथ है हमारे ड्राइवर संतोष धारने। अच्छा, है क्या कुछ क्या है? అప్పుడు తెలిసిపోతుంది బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా అంత మాస్గా ఉండదు బాడీ హై. Yeah.
ਜੀ ਕੇ ਪੋਸਟ ਲਗਾ ਦੂੰਗੀ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਆਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਾਈ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ यहाँ पे दो लोग बहुत जरूरी बात कर रहे हैं और ये हमारा एक पार्टनर है जो नहीं उतर रहे हैं। जा सकते हैं स्विमिंग के लिए। टॉवल्स रखे हुए हैं यहाँ पे, जो बेड्स लगे हुए हैं उसमें टॉवल्स रखे उन्होंने। हमारा ये लास्ट दिन था वेलकम हेरिटेज में। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया कलकत्ता सफारी। तो अभी बज रहा है कुछ 9:30 और हमने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में नागपुर के लिए। ये जर्नी बहुत ही अच्छी हुई, बहुत मज़ा आया। टाइगर नहीं दिखा मगर फिर भी हमने इन्जॉय किया क्योंकि हमें बाकी के एनिमल्स दिखे। सफारी में बहुत मज़ा आता है और रिसॉर्ट में भी रुकने का एक अलग ही मज़ा है। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं ऐसे वीडियो आगे लेते आते रहूँगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।